नमस्कार, सेवन न्यूज पे आपका स्वागत है। मैं गौरव द्विवेदी। आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर दौरे पर हैं। गोरखपुर पहुंचकर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उत्तर प्रदेश का विकास हो रहा है, यूपी लगातार आगे बढ़ रहा है। उन्होंने अपने वक्तव्य में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में रेलवे का विस्तार हो रहा है, बड़े बड़े हाईवे बन रहे हैं, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था लगातार जारी है, मेट्रो की कनेक्टिविटी लगातार बढ़ रही है, साथ ही एयर कनेक्टिविटी में भी काफी सुधार आ गया है और नई नई योजनाएं लाई जा रही हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर दौरे पर हैं और वहां पर जनसभा को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने अपने भाषण में साफ तौर पर ये भी कहा कि अपने उत्तर प्रदेश में रोजगार भी लगातार बढ़ रहे हैं, आने वाले समय पर हर युवा को रोजगार दिलाना उनका दृढ़ संकल्प है। ऐसे में उन्होंने साफ तौर पर विपक्ष दलों पर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा, इससे पहले की जो सरकारें थी उन्होंने कुछ भी नहीं किया, केवल उत्तर प्रदेश की जनता को भ्रमित किया। आजकल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार सपा पर भी हमलावर हैं। उन्होंने अखिलेश यादव की सरकार पर लगातार हमले भी जारी रखे हैं। 2017 के पहले अखिलेश यादव की सरकार के द्वारा जो भी कार्य किए गए थे, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर से कहा है कि उसमें केवल और केवल धांधली हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर के दौरे पर हैं। आइए सुनाते हैं मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में क्या कहा। बहनों और भाइयों, आज उत्तर प्रदेश तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। हर एक क्षेत्र में हमने प्रगति की है, हाईवे बन रहे हैं, रेलवे का नया नया विस्तार हो रहा है, मेट्रो की नई नई सिटी मेट्रो की पब्लिक सर्विस के साथ जुड़ने का काम कर रही है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बेहतरीन साधन आज नगरीय क्षेत्रों में हम मेट्रो के माध्यम से दे रहे हैं, एयर कनेक्टिविटी भी बेहतरीन तरीके से जुड़ रही है, लेकिन साथ साथ नौकरी और रोजगार की भी नई संभावनाओं को आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। मुझे बताते हैं प्रसन्नता गिद्ध संरक्षण केंद्र में, जो जटायु संरक्षण केंद्र के रूप में है, इस जटायु संरक्षण केंद्र में केयरटेकर के रूप में यहां वनटांगिया से जुड़े हुए भी कुछ लोग काम कर रहे हैं, जो इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए, यानी लोकल स्तर पर ही उनको नौकरी भी प्राप्त हो जा रही है। यानी एक कार्य सरकार के द्वारा किया गया और उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का भी, प्रकृति को भी बचाना है, लेकिन प्रकृति के एक एक जीव और जंतु के प्रति भी हमारे दायित्व तो बनता है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, वचन नहीं जाना है। जब एक बार कह दिया तो हो करके रहेगा, और यह कह करके पूरा रामायण काल आज हमारे लिए आदर्श बना है। गांव गांव में रामलीलाएं होती है, इसके पीछे एक कारण है, वो मर्यादाएं थी, वो अनुशासन था। याद रखना, एक तरफ मित्रता का धर्म निभाने, नारी गरिमा की रक्षा करने का दायित्व गिद्धराज जटायु कर रहे हैं, और आज के कालखंड में भी आप देखते होंगे इस धरती की शुद्धि के लिए भी जो कार्य गिद्धराज के द्वारा किया जाता है, गिद्धों के द्वारा किया जाता है, जटायु की वर्तमान पीढ़ी के द्वारा किया जाता है, वह अविस्मरणीय है, और इसीलिए उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए आज यहां पर यह जटायु संरक्षण केंद्र स्थापित किया गया है। इसके लिए मैं वन विभाग को हृदय से धन्यवाद देते हुए कैंपियरगंज और फरेंदा से जुड़े हुए सभी नागरिकों को इसके लिए हृदय से बधाई देता हूं। एक अच्छा और पवित्र कार्य हुआ है, जो रामायण की स्मृतियों को हम सबके सामने बनाए रखते हुए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएगा, अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित भी करेगा।